लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने समीकरणों को सेट करने में लगे हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए विपक्षी दलों को कुछ खास मशक्कत करनी पड़ रही है। विपक्षी दलों ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो सका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने में लगे हैं, लेकिन राज्य में कांग्रेस के अंदर आपके साथ जाने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के पंजाब मामले में प्रभारी देवेंद्र यादव ने गुरुवार को बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ संगठन के मुद्दे पर उन्होंने राज्य के पार्टी के कई नेताओं से अलग अलग विचार विमर्श किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मसले पर पंजाब के नेताओं के विचारों से पार्टी आलाकमान को जानकारी देंगे। साथ ही ये दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य के सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। राज्य इकाई से सलाह मशवरा किए बिना व्यक्तिगत रैलियां आयोजित करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करने वाले पार्टी नेताओं के एक वर्ग के बीच पंजाब मामलों के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कोई भी, चाहे वह कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता, अगर वो अनुशासन तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। साथ ही उन्होंने गुरुवार को पार्टी विधायकों को ब्लॉक और जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें करने के बाद अपनी 3 दिन की यात्रा खत्म की है। इस दौरे के दौरान उन्होंने आगामी आम चुनावों के लिए गठबंधन, अनुशासन और रणनीति सहित कई विषयों पर चर्चा भी की। यादव ने कहा कि उन्होंने पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर कई नेताओं से चर्चा की है। दो महत्वपूर्ण मुद्दे आप लोगों ने आपने पूछा है, उसमें सबसे पहले अलायंस की बात है। अलायंस में निश्चित ही हमारे ब्लॉक से लेके और जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, जैसा मैंने कहा, उनसे चर्चा की है। सबने अपने अपने व्यूज दिए हैं, थोड़े कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, वो मैं लीडरशिप को अपडेट करूंगा, क्योंकि इसका बंद नहीं, ऐसा है कि इस बारे में बहुत स्पष्ट है हमारी लीडरशिप। पंजाब में कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि हर किसी ने इस मुद्दे पर अपने विचार दिए हैं, लेकिन सबके अलग अलग विचार सामने आए हैं। क्या पार्टी के अंदर भावनाएं गठबंधन के खिलाफ हैं? इस पर उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा ये चर्चा करने का मंच नहीं है, ये पार्टी का एक आंतरिक मामला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सामने जो विचार आए हैं वे उसे पार्टी नेतृत्व को अवगत करवाएंगे। हमारी लीडरशिप का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी लीडरशिप चाहती थी कि हम प्रदेश की लीडरशिप के साथ और प्रदेश की जनता के साथ संवाद स्थापित करके जो वहां की फीलिंग्स आती है उसके अनुसार उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो मैं उसी संदर्भ में, अपार्ट फ्रॉम माय फर्स्ट विजिट, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था। जैसा मैंने कहा कि सबकी भावनाएं हैं, थोड़ी अलग अलग भी भावनाएं हैं, जो भी हमने जो बातें आई हैं मैं जल्दी जाके लीडरशिप को अपडेट करूंगा और उसके पश्चात ही कोई फैसला लिया जा सकता है। मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए। दूसरी बात नहीं, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर आई शुड डिस्कस दैट। ये हमारा इंटरनल मामला है, निश्चित ही मैं लीडरशिप को इसके बारे में अपडेट करूंगा और उसके पश्चात जो फैसला होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। जहां तक मामला इंटरनल है, तो बहुत सारे लीडर जहां तक अपोज कर रहे हैं, मैंने कहा अलग अलग व्यूज आए हैं। हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है और वो रहेगी, तो मैंने सबके व्यूज लिए हैं, उसके पश्चात ही जो रिपोर्ट होगी मैं लीडरशिप। एक और देवेंद्र यादव पर पंजाब के नेताओं को आपसे मतभेद खत्म कर गठबंधन करवाने का दबाव है, तो दूसरी ओर पंजाब में बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करने का दबाव भी प्रदेश प्रभारी के सर पर है। ऐसे में इस बड़ी चुनौती को कैसे पार पाया जाए, ये देवेंद्र यादव के लिए एक बड़ा मील पत्थर साबित हो सकता है।